Bhaktimrandasho Jnananjana Shalakaya Chakshur Namilitam Vena Tasmai Shri Gurve Namah Shri Chaitanya Manovishtam Isthapitam In Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svabdantikam Vande Aham Shri Guru Shri Yudhupad Kamalam Shri Guru Nuvaishnavascha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam E Krishna Karuna Sindho Deen Bandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kant Radha Kant Namostute Radha Kant Namostute Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Jai Gopal. आइए मेरे बहन भाइयों, सत्संग प्रेमी जनों, आज के सत्संग का आनंद लीजिए। स्वागत है आपका। भगवान को प्रणाम करके हम सत्संग प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जया मुदीरेत। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर् भवति नष्टकी। ओम शांति शांति शांति। जय गोपाल। श्रीमद् भागवत गीता सप्तम अध्याय श्लोक संख्या 24। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन इस संसार की कोई भी वस्तु है ये नष्ट होती है, और जो देवताओं के भक्त देवताओं से कोई फल मांगते हैं वो भी नष्ट होता है। ये शरीर भी नष्ट होता है, कोई देवता की कृपा से पुत्र प्राप्त हो जाए उसकी भी आयु होती है, नष्ट होता है। अंतु ये इनका अंत होता है। आज बड़े बड़े पुण्य करके धर्म कार्य करके आदमी अभिलाषा करता है इंद्र के पद को लेने की या इंद्र लोक में जाने की, स्वर्ग की कामना करता है, महान भोगों में उतरने की, अप्सराओं के साथ, सुराओं के साथ, मदिराओं के साथ आनंद भोग लूटने के लिए, लेकिन उसका अंत होता है। ये पुण्य क्षीणे सभी मृत्युलोक में प्रवेश करते हैं, यानी मृत्यु के मुंह में ही चले जाते हैं। जितने भी भोग विलास हैं सब मृत्यु के मुंह में चले जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ये पुण्यों के बल से यज्ञ दान धर्म इस लक्ष्य से किया जाए कि हमको हे भगवान स्वर्ग मिले। हे इंद्र देवता, हम आपको आहुति देते हैं, यज्ञ कर रहे हैं, ओम इंद्राय नमः, हमको स्वर्ग आपका
आपके लोक में हमको बुला लो, हम भी अप्सराओं के साथ ऐश आराम करेंगे। तो ऐसा कोई व्यक्ति जिसने अपने पुण्यों का पूरा हिसाब दे दिया है तो उसको जरूर स्वर्ग लोक मिल जाता है, देवताओं का जैसा एक शरीर भी मिल जाता है, एक चमकीला विमान भी मिल जाता है, और वो सारे भोग विलास मिल जाते हैं जो उसने सोचे। और भोग विलासों में होगा क्या? अपने ऐसे व्यक्ति के विचारों में जो भोग विलास होंगे स्वर्ग के, होगा क्या? कोई यदि कागज पर लिखे कि भाई स्वर्ग में तुमको भेजा जा रहा है, अभी वहां क्या क्या इच्छाएं तुम्हारी, तो क्या क्या लिखोगे? एक दिन लिख कर तो देखो। तो यही लिखोगे कि मुझे 100 अप्सराएं चाहिए, सुंदर से सुंदर, सुंदर शराब चाहिए, चमकीला विमान चाहिए जो मन की गति से उड़ता हो, और सो एंड सो सौ डल्लभ के गद्दे और मसनद, दासियां चरण दबाने वाली, गर्म पानी तैयार करने वाली, शरीर को रगड़ के मेरे को स्नान कराने वाली, बस इससे ज्यादा क्या लिखोगे? तो ये भोग विलास ऐसे पूर्ण आत्मा को मिल जाते हैं स्वर्ग के। लेकिन जब पूर्ण खत्म हो जाते हैं भोग करते करते, क्योंकि तो पुण्यों की कमाई है ना, स्वर्ग मिला, देवता का शरीर मिला, अप्सराएं मिली, तो जब ये पुण्यों की कमाई खत्म हो जाएगी, पुण्यों का बैलेंस जब खत्म हो जाएगा भोग करते करते, जैसे खाते खाते अन्न खत्म हो जाता है, खाते खाते घी खत्म हो जाता है, जीते जीते शरीर खत्म हो जाता है, ऐसे ही ये पुण्य भी खत्म हो जाते हैं भोग करते करते। तो पुण्य खत्म हो जाते हैं तो भोग भी खत्म हो जाते हैं, तो अंत आ गया, फिर वो देवता का शरीर छीन लिया जाता है, वो भोग छीन लिए जाते हैं, स्वर्ग छीन लिया जाता है। तो ये फल जो मिले पुण्यों के, इनका अंत हो गया, यानी ये मृत्यु के मुंह में चले गए ये सारे फल। इसी विषय में भगवान कह रहे हैं कि अंतु अंतु फलम ते साम भवत्य अल्पमेध साम। अल्प बुद्धि के लोग देवताओं की शरण में जाते हैं और संसारिक भोग विलास मांगते हैं। और कोई देवता प्रसन्न हो जाए तो वो भोग विलास दे भी देता है। फिर उसका अंत होता है। परमानेंट नहीं है यहां पर कोई भी चीज, ये मैटेरियल वर्ल्ड में नथिंग इज परमानेंट, इवन आवर बॉडी, इवन आवर सेटल बॉडी, इवन आवर काजल बॉडी, कोई भी वस्तु परमानेंट नहीं है, सबका अंत हो जाता है, ये सुख भोगों का भी अंत हो जाता है, मैटेरियल बुद्धि का भी नष्ट, ये भी नष्ट हो जाती है, जो भी मैटेरियल है आपके पास भौतिक तत्व सब नष्ट होते हैं, ये अंत वंतु हैं, इनका अंत आता है, एंड लगता है, दी एंड। जैसे जीवन भर आपने जीवन जिया, जैसे मूवी देखते हैं हम 2 घंटे की, और मूवी के खत्म होने पर लिखा आता है दी एंड, ऐसे हमारे जीवन की सामने भी अंत में यही आता है दी एंड। शब्द बड़ा अच्छा है, हरेक शमशान घाट पे, ग्रेव यार्ड पे ये शब्द होना चाहिए, बड़ा साइन बोर्ड होना चाहिए दी एंड, यहां लाइफ खत्म हो जाती है।